हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में, जिसका टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और काफी रिक्वेस्ट के बाद आज ये वीडियो फाइनली अपलोड हो रहा है, और जिसका टॉपिक है टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन गुजरात। वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, आपके सारे डाउट्स एक ही वीडियो में क्लियर होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जितने भी 2022 बैच के लिए स्टूडेंट्स है, उसके लिए ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना के मैंने अपलोड कर दी है, जिसका नाम है एडमिशन 2022, जिसमें मैंने काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुका हूं और काफी सारे वीडियोस आने वाले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करूं, उससे पहले एक छोटी सी नोट है कि यहां पे मैंने किस बात पे पॉइंट्स और रैंकिंग की है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कंसीडर किया है प्लेसमेंट, उसके बाद कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर लैब की फैसिलिटीज है कि नहीं, वर्कशॉप है कि नहीं, जो बेसिक फैसिलिटी चाहिए कॉलेज के अंदर वो सब कुछ है कि नहीं। तो दूसरा पॉइंट मैंने ये कंसिडर किया है। तीसरा पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट इज फैकल्टीज। अब फैकल्टीज यानी कि फैकल्टीज का एजुकेशन कहाँ तक के आपको ट्यूटर्स आते हैं, मेंटर्स आते हैं, वो भी मैंने कंसीडर किया है। और इसके अलावा मैंने जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज की बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ मैंने कंसीडर किया है। इसके अलावा मैंने इस लिस्ट में IIT गांधीनगर एज वेल एज सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि SVNIT, इन दोनों को कंसिडर नहीं किया है लिस्ट में। अगर कंसिडर करने जाओ तो सबसे पहले आएगा IIT गांधीनगर और दूसरे पे आएगा SVNIT, ठीक है। तो ये फर्स्ट और सेकंड है, तो मैंने इस लिस्ट में ये दोनों को कंसीडर नहीं किया है, सिर्फ वही कॉलेजेस का कंसीडर किया है जिसका एडमिशन ACPC के थ्रू हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने नोट थी, और यहाँ पे अभी भी कुछ आपको रिगार्डिंग डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए सबसे पहली रैंकिंग आते हैं, और ये ऑब्वियसली बात है DAICT यानी कि धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इतनी बेस्ट कॉलेज है कि अगर आपको इसमें एडमिशन मिल रहा हो तो मैं यहाँ पे गारंटी लेता हूँ कि आप कोई भी कॉलेज के बारे में मत सोचिए, इसी कॉलेज में आंख बंद करके एडमिशन ले लीजिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, इसमें मैंने सारा के सारा जितना भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने देने की ट्राई की है। सबसे पहले फीस की बात करें तो इसकी फीस है 1,72,000 पर ईयर। अब ये जितनी भी यहाँ पे मैंने फीस कंसिडर की है वो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग की है, तो इस साल ये चेंज हो सकती है, ठीक है। फिर बाद में कोई ऐसा मत ब्लेम करना कि देखिए सर यहाँ पे आपने इतना लिखा है और इसकी फी तो इतनी है, तो मैं फिर से रिवाइज कर दूं कि ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग है, इस साल इसमें अप डाउन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये 100% बेस्ट कॉलेज है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपको इसमें एडमिशन मिल रहा हो तो आप बंद करके ले सकते हैं। आप प्लेसमेंट है इसका बेस्ट प्लेसमेंट है, 12 लाख के तो मिनिमम पैकेजेस इसमें मिलते हैं, एवरेज तो काफी ऊपर जाता है, ठीक है। तो प्लेसमेंट में भी ये काफी अच्छी बात है, बट एक बात है कि इसमें सिर्फ 3 ही इंजीनियरिंग ब्रांचेस है, इसके अलावा आपको इसमें कोई भी इंजीनियरिंग के ब्रांचेस नहीं मिलेंगे, ना ही तो कोर ब्रांचेस है, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, IT, ICT, ये सब कुछ भी नहीं मिलेंगे। तो कौन कौन से ब्रांचेस है, सबसे पहला है ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा है ICT विद CS, ये सबसे डिमांडेड ब्रांच है यानी कि ICT विद कंप्यूटर साइंस, और तीसरा लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस किया है, वो भी इसके इंफॉर्मेशन में आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा। बट ये सिर्फ 3 ही ब्रांचेस ऑफर करते हैं, और यहाँ पे जैसे कि बताया मैंने ऑलरेडी कि एक और ब्रांच है, तो ये 3 ब्रांच है। अगर कट ऑफ की बात करें तो इसका जो ICT विद CS का कट ऑफ है वो जाता है 58 पे, यानी कि काफी कम है। और इसमें भी बुरी बात क्या है पता है, कि मान लीजिए कि 100 सीट है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी 50-50, यानी कि 50% सीट्स कॉलेज खुद रिजर्व रखेगा और 50% सीट ही ACPC को मिलेगी एडमिशन के लिए। अगर हम दूसरी बात बात दूसरी सारी ब्रांचेस की बात करें दूसरे अकॉर्डिंग, तो उसमें है इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, क्योंकि ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली अच्छा रहने वाला है, और इसमें हॉस्टल और मेस की भी आपके पास फैसिलिटीज रहेगी। तो ये जितना भी बेसिक डेटा था DAICT का, वो मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने की आपको मैंने प्रोवाइड किया है। अगर आपको अभी भी DAICT रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर कॉलेज के ऊपर, वो है निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, अगेन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। इसका फीस की बात करें तो 1,81,000 पर एनम इसकी फीस रहेगी, 100% बेस्ट कॉलेज है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको DAICT में एडमिशन नहीं मिलता है तो फिर आप निर्मा यूनिवर्सिटी में एडमिशन कंसिडर कर सकते हो। अगेन प्लेसमेंट इसका काफी अच्छा है, क्योंकि इसकी अच्छी बात क्या है पता है, कि ये एक पूरी की पूरी यूनिवर्सिटीज है, इसके अंदर डिफरेंट 8 से 10 तरह के दूसरे कोर्सेस भी होते हैं, जिसमें कॉमर्स के कोर्स, आर्ट्स के कोर्स, लॉ के कोर्सेस,
एमसीए, इसके अलावा काफी सारे इसके अंदर ब्रांचेस एक्टिव है। तो इससे क्या होगा कि काफी अच्छी अच्छी कंपनीज आती है, तो प्लेसमेंट इसका काफी अच्छा है। सबसे डिमांडेड ब्रांच की बात करें तो वो है कंप्यूटर साइंस, और जिसका कट ऑफ लास्ट ईयर क्लोज हुआ था 325 पे। अगेन इसका एडमिशन होगा 50-50% रेशियो के ऊपर। अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर समझा दूं कि देखिए, कोई भी कॉलेज के अंदर मान लीजिए 100 सीट है, तो 50% सीट्स मिलेगी एसीबीसी को, और बाकी की 50% सीट्स कॉलेज खुद रिजर्व रखता है। अब एसीबीसी अपना पूरा का पूरा प्रोसेस है वो फॉलो करेगा, राउंड 1, राउंड 2, मॉक राउंड, ये सब कुछ, और उसके बाद आपको फाइनल एडमिशन मिलेगा। जबकि कॉलेज क्या करता है कि कॉलेज अपनी वेबसाइट के ऊपर खुद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाता है JEE के मार्क्स के ऊपर, और इसके बाद अपना जो डिक्लेरेशन है मेरिट के वाइज वो अपना कट ऑफ डिक्लेयर करता है, और थोड़े से ही टाइम में आपका एडमिशन हो सकता है। तो ये दो तरह से आपका पूरा का पूरा एडमिशन चलता है, ठीक है? तो मैं सबसे पहले तो इसको क्लियर कर दूं और दूसरी सारी बेसिक डिटेल बता दूं। अगर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि इसकी तो आप बात ही मत पूछो, क्योंकि एक हाल ही में अभी एक पूरी की पूरी 9 से लेकर 10 फ्लोर की बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो 1-2 साल में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ये भी अवेलेबल है, मेस भी अवेलेबल है, इसके अलावा हॉस्टल भी अवेलेबल है, बट इसमें मैंने ब्रेकेट में लिखा है लेस चांसेस। इसका रीजन क्या है कि निरमा पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी है, तो इसमें हॉस्टल में काफी संख्या कम है, तो इसकी वजह से दूसरे जितनी ब्रांचेस है उसको प्रायोरिटी सबसे ज्यादा मिलती है, यानी कि एमबीए के स्टूडेंट्स है, एमटेक के स्टूडेंट्स है, तो उसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है, तो हॉस्टल में यहाँ पे आपके चांसेस कम है। और यहाँ पे सारी की सारी जितनी भी डिमांडेड ब्रांचेस हैं वो सारी ब्रांचेस अवेलेबल है। अब यहाँ पे मैंने सभी जगह पे ये ऐसा लिखा है कि ऑल ब्रांचेस अवेलेबल, यानी कि तीनों कोर ब्रांच तो ले ही लीजिए, जिसमें आएगी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इसके अलावा कंप्यूटर आईटी भी आप इसमें कंसिडर कर सकते हो, और इसके अलावा ईसी भी आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, यानी कि इतनी बेसिक ब्रांचेस तो इसमें होती ही है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, जो है धर्मश्री देसाई यूनिवर्सिटी नड़िया। अब इसमें आपको दो तरह के ऑप्शंस मिलते हैं, पहला है सेल्फ फाइनेंस और दूसरा है ग्रांटेड। अब सेल्फ फाइनेंस फीस की बात करें तो वो है 1,52,000 पर एनम, और ग्रांटेड की बात करें तो 1,500 पर एनम। अब ये दो तरह की फीस है, और यहाँ पे मैं फिर से बता दूं कि इस साल फीस में चेंजेस आ सकता है, ये फीस फिक्स नहीं रहेगी, ठीक है? ये भी 100% काफी अच्छी कॉलेज है, प्लेसमेंट काफी अच्छा है, और इसमें सबसे डिमांडेड ब्रांच है कंप्यूटर साइंस। अगर इसका लास्ट ईयर का कट ऑफ की बात करें तो वो है ग्रांटेड का कंप्यूटर साइंस का 265। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा ठीक ठाक कह सकते हो कम्पेयर टू निर्मा एंड DEEICT, पर फिर भी अच्छा है। इसमें फैसिलिटीज में ट्रांसपोर्टेशन, मैस और हॉस्टल तीनों अवेलेबल है, और सारी की सारी हाई डिमांडेड ब्रांचेस अवेलेबल है, तो ये भी काफी अच्छी कॉलेज आप कंसीडर कर सकते हो। अगर हम फोर्थ रैंक की बात करें तो वो है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा, यानी कि वडोदरा के अंदर आती है, और ये है ग्रांटेड कॉलेज। फीस की बात करें तो 8,340 एक साल की इसकी फीस रहेगी, और इसमें काफी चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि फीस आप ये वीडियो के ऊपर कंसीडर 100% डिपेंड मत करना, क्योंकि जैसे ही ACPC का प्रोसेसर आएगा उसके बाद 100% डेटा स्योर होगा, अभी ये डेटा में चेंजेस आ सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा सा सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है? अब तक यहाँ पे मैं सब कुछ क्या बोल रहा था कि 100% अच्छी है, प्लेसमेंट काफी अच्छा है, बट यहाँ से सब कुछ हो जाएगा एवरेज लेवल का। एवरेज लेवल की कॉलेज रहेगी, प्लेसमेंट रहेगा एवरेज लेवल का, यानी कि प्लेसमेंट एवरेज लेवल का, यानी कि जो लोग 12, 16, 18, 20 LPA की उम्मीद लगा के बैठे हैं तो इतना प्लेसमेंट नहीं आता है, यानी कि प्लेसमेंट आता है 6 लाख के आसपास का, ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी पुराना है, तो एवरेज लेवल का है। मेस और हॉस्टल दोनों चीजें अवेलेबल है, और सबसे ज्यादा डिमांडेड है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिसका लास्ट ईयर का कट ऑफ रहा था 467, और सारी की सारी हाई डिमांडेड ब्रांच अवेलेबल है। अब ये भी काफी अच्छी कॉलेज कंसिडर कर सकते हो। तो आप इस वीडियो से ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि सब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एडमिशन लेने की ट्राई कीजिए, अगर इसमें एडमिशन नहीं मिला तो फिर आप आइए इस कॉलेज में, अगर इसमें भी एडमिशन नहीं मिला तो फिर आइए थर्ड रैंक पे, इसमें भी नहीं मिला तो फिर आप आए फोर्थ रैंक पे। तो इसी तरह से आप सारा का सारा एक डिक्लाइन लेवल में कंसीडर कर सकते हो। फिफ्थ कॉलेज है मेरी कॉलेज, यानी कि LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। मैंने हाल ही में रिसेंटली इसमें से पास आउट हुआ हूँ, और मेरी जो ब्रांच थी वो थी IT इंजीनियरिंग, ठीक है? LD कॉलेज की बात करें तो 1,500 इसकी फीस रहेगी, सब कुछ एवरेज लेवल का है। सबसे बुरी बात मुझे लगती है LD की, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना खराब इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जिसकी मैं बात ही नहीं कर सकता हूँ, तो ये सबसे बुरी बात लगती है मुझे LD की इंफ्रास्ट्रक्चर। प्लेसमेंट एवरेज लेवल का है,
एवरेज लेवल, यानी कि अगर आप 12 लाख 16 लाख इतना एक्सपेक्ट करते हैं तो इतना प्लेसमेंट डेफिनेटली नहीं मिलता है यहाँ पे। इसमें कितना प्लेसमेंट मिलता है पता है? 3, 4, 5, 6, 7, ये तरह का, ये सारी कंपनीज आती है। अब हम हॉस्टल की बात करें तो ये भी अवेलेबल है, मेस की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। कंप्यूटर साइंस और आईटी इंजीनियरिंग ये सबसे डिमांडेड ब्रांच है, और कंप्यूटर सॉरी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस नहीं है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, ये आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना, ठीक है। और हाँ, ये भी कंसिडर करना की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अगर आपको उसमें दिक्कत आ रही कि डिफरेंस क्या है, तो उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, तो वो भी आप जरूर से देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंट 40 ब्रांचेस अवेलेबल है, यानी कि जो टॉप इंजीनियरिंग ब्रांचेस है वो तो अवेलेबल ही है। इसके अलावा रबर इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, इसके अलावा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये सारी ब्रांचेस भी अवेलेबल है। सिक्स्थ रैंक पे आती है बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय, जो की आती है वल्लभ विद्यानगर के अंदर, और इसमें भी दो ऑप्शन है, पहला है ग्रांटेड और दूसरा है सेल्फ फाइनेंस। ग्रांटेड की फीस की बात करें तो वो है 5,470, सेल्फ फाइनेंस फीस की बात करें तो वो है 1,31,000 पर एनम। एवरेज लेवल का कॉलेज है, प्लेसमेंट काफी अच्छा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी एवरेज लेवल का है। मेस और हॉस्टल दोनों की फैसिलिटीज अवेलेबल है। इसमें सबसे डिमांडेड है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और जिसका लास्ट ईयर का कट ऑफ रहा था 720, और यहाँ पे सारी की सारी हाईली डिमांडेड ब्रांचेस अवेलेबल है। सेवेंथ रैंक की बात करें तो वो है विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, अहमदाबाद में आती है, फीस है 1,500, एवरेज लेवल की कॉलेज रहेगी, और उसका जो रैंकिंग है वो आता है एलडी कॉलेज से थोड़ा सा नीचे। दोनों एक लेवल पे नहीं आते हैं, एलडी ऊपर रहती है, वीसी इसी थोड़ी सी नीचे आती है, ठीक है। बट विश्वकर्मा काफी अच्छे रैंकिंग हासिल कर रहे हैं, हर साल प्लेसमेंट काफी बढ़ रहा है, तो इसीलिए कभी ना कभी एलडी को भी वीसी इसी ओवरटेक कर देगी, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। ये सब कुछ एवरेज लेवल का है, प्लेसमेंट 3, 4, 5, 6 लाख का इजिली यहाँ पे मिल जाता है। मेस और हॉस्टल दोनों अवेलेबल है। इसमें भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग सबसे डिमांडेड ब्रांचेस है, और इसका लास्ट ईयर का कट ऑफ रहा था 1,371, और इसमें भी सारी के सारी हाई डिमांडेड ब्रांचेस अवेलेबल है। एट रैंक पे आती है पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी गांधीनगर, इसकी फीस सबसे ज्यादा हाई रहती है, देखिए 2,34,000। जितनी भी प्राइवेट कॉलेज आप कंसीडर कीजिए जिसमें आती है निर्मा, DAICT, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, इसके हिसाब से इसके सामने इसकी फीस काफी ऊपर रहती है, देखिए 2,34,000। एवरेज लेवल की कॉलेज है और प्लेसमेंट भी काफी एवरेज लेवल का। बट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, काफी अलग लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। मेस और हॉस्टल दोनों अवेलेबल है, और जिसमें CSL, IT, ये थोड़ा सा यहाँ पे डेटा मैंने चेंज करना है, तो ये आप अपने हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर ऑल ब्रांचेस में यहाँ पे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग भी अवेलेबल है, जिसकी डिमांड भी काफी अच्छी है। और जिन लोगों को ICT के अंदर एडमिशन लेना है उसके लिए भी यहाँ पे ICT ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये भी आप अच्छी ब्रांच कंसिडर कर सकते हो। अगर हम 9वें नंबर की बात करें तो ये टाई हो चुका है किसके बीच में, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस अहमदाबाद यूनिवर्सिटी और GS पटेल जो है वल्लभ विद्यानगर के अंदर, तो ये 9 नंबर पे ये दोनों कॉलेजेस के बीच में टाई हो चुका है, ठीक है। अगर फीस की बात करें तो सीस यानी कि अहमदाबाद यूनिवर्सिटी की फीस है 1,73,000, GS पटेल कॉलेज की फीस है 1,19,000 पर एनम। और इसमें बात करें तो देखिए अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में सिर्फ 3 ब्रांच अवेलेबल है, केमिकल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और मैकेनिकल, बट अगेन इसमें प्लेसमेंट काफी अच्छा रहता है, यूनिवर्सिटीज है तो ये काफी अच्छी प्रगति, काफी अच्छी प्रोग्रेस कर रही थी, जबकि GH पटेल में सारी के सारी ब्रांचेस अवेलेबल है। HMD यानी कि हॉस्टल, मेस एंड ट्रांसपोर्टेशन दोनों के अंदर अवेलेबल है। और सीज का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो डेफिनेटली मुझे काफी पसंद आता है, पर्सनली मैं सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस अहमदाबाद यूनिवर्सिटी। अगर आप कभी अहमदाबाद गए होंगे और या फिर जाने वाला हो तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये काफी बड़ा रोड है, इसके सामने यहाँ पे एलडी का कैंपस है और इसके सामने ही इस जगह पे अहमदाबाद यूनिवर्सिटी का कैंपस अवेलेबल है, तो ये दोनों काफी पास पास में अवेलेबल है। अगर हम इसकी कॉलेज की बात करें तो ये सबसे अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कॉलेज रह सकती है। 10वें रैंक की बात करें तो वो है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गांधीनगर, इसकी फीस है सिर्फ 1,500 रुपीज पर एनम। हॉस्टल इसमें अवेलेबल है, मेस भी अवेलेबल है। अगर इसमें सब कुछ बात करें एवरेज लेवल का है, थोड़ा सा एवरेज लेवल से नीचे का है क्योंकि प्लेसमेंट में कभी कभी अच्छी कंपनीज आती है और कभी कभी नहीं आती, ठीक है। तो ये है 10वें नंबर की कॉलेज। अब यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी सी और हेल्प कर दी, जिसमें मैंने इसके आगे भी कॉलेज भी रखी है, जिसमें सबसे ऊपर आती है चंदू भाई एस पटेल यूनिवर्सिटी, जो आती है चांग
दरभंगा के अंदर, उसके बाद आती है सार्वजनिक यूनिवर्सिटी जो आती है सूरत के अंदर, उसके बाद आती है अदानी कॉलेज जो आती है अहमदाबाद के अंदर, तो उसके बाद है देवांग पटेल चांगा के अंदर, और उसके बाद है काफी सारी कॉलेजेस। तो देखिए अब यहाँ से आपको क्या कंसिडर करना है, ये तो सिर्फ मैंने ओवरऑल यहाँ पे डिटेल्स दिए हैं, इसके आगे में स्पेशली मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, आईटी, इन सारी की सारी कॉलेजेस का भी टॉप 10 का रैंकिंग देने वाला हूँ, तो वो भी आप जरूर से देख लेना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। वीडियो काफी अच्छा लंबा हो गया, बट मुझे आशा है कि अगर वीडियो पसंद आया होगा आपको, और अगर वीडियो पसंद आया है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन, एंड इफ यू लाइक नाउ देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।